और कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये पांचवी बैठक होने वाली है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 20 मार्च को हुई थी। पहली बैठक 20 मार्च, दूसरी बैठक 2 अप्रैल, तीसरी बैठक 11 अप्रैल को हुई, चौथी बैठक 27 अप्रैल और पांचवी बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी, जिस बैठक में आगे की क्या रणनीति हो उसे लेकर चर्चा हो सकती है। तो आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर खास चर्चा हो सकती है। 17 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर चर्चा होगी। इकोनॉमी को कैसे धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए, ये भी एक चर्चा का विषय रहेगा। लॉकडाउन के दौरान मिले छूट का असर क्या रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आर्थिक गतिविधियों को और कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए, यह भी संभवतः चर्चा का विषय रहेगा। मजदूरों के घर वापसी को आसान किस तरह से बनाया जाए, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कैसे और सख्ती बरती जाए, इसे कैसे बढ़ाया जाए। कोरोना से जुड़े हुए जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसके अपडेट पर भी चर्चा होगी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आर्थिक मोर्चे पर राहत पैकेज को लेकर भी पीएम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ। और हमारे साथ रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। रविंद्र, ये पांचवी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितनी महत्वपूर्ण, क्या क्या आज हो सकता है इस बैठक में? देखिए सीरीन, ये पांचवी बैठक है और संभवतः लॉकडाउन को लेकर ये आखिरी बैठक भी हो सकती है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की, क्योंकि 3 बजे से ये बैठक है। जो जानकारी मिल रही कि इसमें आज लगभग सभी मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे और ये बैठक कम से कम 6-7 घंटे तक चलने वाली है, बीच में एक ब्रेक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। लॉकडाउन के पूरी तरह से भविष्य और जान और जहान की जो प्रधानमंत्री का वादा किया था देश के सामने उसको लेकर, तो ये इस बैठक में जाहिर तौर पर जिस तरह से ट्रेन की घोषणा हुई, स्पेशल ट्रेन चलाने की बातें हुई है 15 जोड़ी, उसको आगे कैसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि हालांकि ट्रेन को लेकर कई मुख्यमंत्रियों का कहना यही है जो जानकारी ले कि इस तरह से पूरी तरह से छूट उसमें नहीं दी जा सकती, सेलेक्टेड ही होगा, क्योंकि भीड़ अगर होती है तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ सकती है और देश के लिए तो बड़ी समस्या हो सकती है। उस तरह से इस बैठक में कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक जो फ्लाइट है उसको किस तरह से उसको कैसे चालू किया जाए, जैसा कि खुद इससे संबंधित एविएशन मंत्री ने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है, केवल को एड मिलना है। इसके अलावा जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा मजदूरों को लेकर, हालांकि कई श्रमिक ट्रेन अभी और चलाएंगे, 350 करीब श्रमिक ट्रेन चल गए हैं और जितने ज्यादा मुख्यमंत्रियों की मांग होगी जाहिर तौर पर, यानी कि सहूलियतें और छूट कैसे बढ़ाई जाए, ये इस पर भी चर्चा होगी। रविंद्र, कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं इस बैठक में? श्रीन जैसा कहा कि सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन पहले क्या आता था अमूमन हर बैठक में 10 से 12 करीब मुख्यमंत्री बोलते थे, बाकी अपनी बात रखते थे और ये रोटेशन वाइज होता था, लेकिन आज की बैठक में लगभग सभी मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे इस बैठक में। तो जाहिर तौर पर जैसे बताया कि ये बैठक 6 से 7 घंटे तक चल सकती है, तो इसमें ये आखिरी बैठक होगी और पूरी तरह से लॉकडाउन के पूरी भविष्य को लेकर एक अंतिम फैसला इस बैठक में ले लिया जाएगा। यानी कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये बैठक, दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है और आगे की रणनीति क्या रहेगी, काफी कुछ इस बैठक में साफ हो जाएगा। शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ फिलहाल इस बातचीत के लिए। बात राजस्थान के झालावाड़ की, जहां पर कपड़ा मिल के बाहर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां पर मजदूरों ने सैलरी ना मिलने को लेकर हंगामा किया है। हंगामा रोकने पहुंची पुलिस टीम पर मजदूरों ने पथराव भी किया। लॉकडाउन के कारण ये कपड़ा मिल बंद है, मजदूरों को सैलरी नहीं मिली, जिस वजह से यहां पर हंगामा किया गया। लेकिन इस हंगामे को रोकने के लिए यहां पर पुलिस भी पहुंची, वहां भी झड़प की तस्वीरें हैं। झालावाड़ की तस्वीरें, कपड़ा मिल के बाहर मजदूरों का हंगामा, सैलरी नहीं मिली इन्हें, जिसकी वजह से इनका गुस्सा कुछ इस तरह से यहां दिखाई दिया। आप देखिए पत्थरबाजी भी यहां पर हो रही है, पत्थर फेंके गए हैं। मिल के बाहर की तस्वीरें, लॉकडाउन के कारण कपड़ा मिल बंद है, जो मजदूर इसमें काम करते हैं वो बेहद परेशान है, उन्हें सैलरी नहीं मिली, जिस वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ा और अब जाकर इन्होंने यहां पर पथराव किया। पुलिस जब इन्हें समझाने पहुंची तो उनके साथ भी इनकी झड़प। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।